हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज के क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर वन का पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर वन है सेमेस्टर वन में और बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये जरूर दिया हुआ है कोई ना कोई सेमिस्टर्स में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिस्टर वन में ही ये पेपर रहेगा हम पिछले क्लासेस के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे आज हम पॉइंट नंबर एट से शुरू करेंगे 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं तो जो भी बच्चे लोग चैनल में नए हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बीकॉम का रिलेटेड टू ऑल द सेमेस्टर आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है उसको डाउनलोड कर लेना आपको और वीडियोस नोट्स प्रैक्टिस साइट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन कंसिस्टेंसी एजमशन कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही काम को एक ही तरीके से करना ईयर ऑन ईयर बार बार एक ही काम को एक ही तरीके से करते जाना डेट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी एजम्पन बोलता है कि कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कोई भी अकाउंटिंग मेथड्स अगर हम एक बार सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम कंटिन्यू करेंगे ईयर ऑन ईयर हर साल अकाउंटिंग मेथड्स जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे एक अकाउंटिंग मेथड अगर आज सिलेक्ट किए हैं तो उसी अकाउंटिंग मेथड को हम हर साल जो है इंप्लीमेंट करते रहेंगे राइट right? तो ये जो अकाउंटिंग मेथड्स है जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन में ऑप्शन है या तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं तो वहां पे ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई भी एक मेथड ले सकते हैं तो सपोज अगर हम एस लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड तो फिर हर साल हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाते रहेंगे अगर हम डब्ल्यू मेथड सिलेक्ट करते हैं तो हम हर साल डब्लूड्यू मेथड ही लगाते रहेंगे इससे क्या होगा एक ईयर का जो रिजल्ट है वो कंपेरेबल होगा नेक्स्ट ईयर के साथ अगर सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस मेथड्स फॉलो हुआ होगा तो वन ईयर्स परफॉर्मेंस इज कंपेरेबल विद द अदर इयर्स परफॉर्मेंस क्लियर है देखना अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी एजमशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस

इन्फॉर्मेश्स को ज्यादा बेटर समझ पाएगा अगर एक ही तरीके से हर बार अकाउंट बनाया जाएगा तो एंड नेक्स्ट एक ईयर का रिजल्ट हम कंपेयर कर पाएंगे अदर ईयर के रिजल्ट के साथ कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बाइज हम अपने मन से कोई चीज को फेवर नहीं कर पाएंगे और हम अपने मन से रिजल्ट्स को मैनुपुलेट नहीं कर पाएंगे जो पिछले साल मेथड लगाए थे अगर वही मेथड लगाएंगे तो हम अपने मन से रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे राइट द कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट और अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर इक्वली एक्सेप्टेबल तो ये कॉन्सेप्ट का काम आता है कंसिस्टेंसी का जब कोई भी चीज को करने का एक से ज्यादा मेथड होता है जैसे डिप्रिसिएशन लगाने का दो मेथड है एस एंड डब्ल्यू तो यहां पर ऑप्शन जब आ जाता है तो हमको कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो सिलेक्ट करेंगे फिर उसी को लगाते रहेंगे ईयर ऑन ईयर राइट देखना फॉर एग्जाम्पल देर आर टू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड आर इक्वली एक्सेप्टेबल अंडर द कंसिस्टेंसी एज्शन वंस चूजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्टर इ टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल ठीक है तो एक बार एक चीज को सिलेक्ट किए तो उसको हम इयर ऑन ईयर लगाते रहेंगे द अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी चेंज इफ द लॉ और द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट और द चेंज रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन तो ऐसा नहीं है कि हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज ही नहीं कर सकते चेंज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ड बाई द लॉ और दिल गिव अटर प्रेजेंटेशन राइट तो मेथड को चेंज कर सकते ऐसा नहीं कि चेंज कर ही नहीं सकते बट चेंज कब करेंगे जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलेगा या फिर कंपनी लॉ है वो हमको बोलेगा कि चेंज करो या फिर जो नया मेथड होगा ज्यादा बेहतर रहेगा तब हम चेंज कर सकते हैं क्लियर तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्लियर है तो कंसिस्टेंसी ये नहीं बोलता कि चेंज कर ही नहीं सकते कंसिस्टेंसी बोलता है कि बार-बार चेंज मत करो एक बार कोई चीज सिलेक्ट हुआ तो उसको ईयर ऑन ईयर लगाते रहेंगे बट अगर कोई नया मेथड आता है जो कि ज्यादा बेहतर है या लॉ बोलता है नया मेथड लगाने के लिए तो फिर हम न्यू मेथड लगा सकते हैं क्लियर तो दिस वॉज अबाउट कंसिस्टेंसी नेक्स्ट प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म. प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि हम फ्यूचर को लेके जो हैं बहुत है बहुत डरपोक है प्रूडेंट है मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होने वाला है कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो हम क्या करते हैं आज से तैयार हो जाते हैं आज से पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं सो दैट जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसका हम लोग पेमेंट कर सके लेकिन अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है तो हम आज से उसके तैयार नहीं होते आज से खर्चा करना शुरू नहीं करते हम वेट करते हैं। एक्चुअल में गेन हो जाने का और जब एक्चुअल में गेन हो जाता है तब फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्लियर तो प्रूडेंट्स का बोलना है जो भी फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस उसको हम एडवांस में रिकॉर्ड करेंगे राइट right? लेकिन अगर कोई भी फ्यूचर पॉसिबल गेन्स है फायदा होने वाला फ्यूचर में तो उसको हम पहले से रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्लियर देखना प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मेनी अ टाइम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस राइटिंग डिफरेंटली इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में जो फायदा होने वाला है उसको ये कंसिडर नहीं करता उसको रिकॉर्ड करने से मना करता है लेकिन फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसको कंसिडर करके उसको पहले से रिकॉर्ड कर लेता है ठीक है the application ऑफ दिस concept एंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर देन what इट एक्चुअली इज तो ये वाला प्रिंसिपल कोशिश करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए अपने कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन का क्लियर तो कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में होने वाला है हम उसको एडवांस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्लियर नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट के वजह से फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू डेट इसी कॉन्सेप्ट के वजह से क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पे हम उसको वैल्यू करते हैं क्यों देखना आज जैसे हम कोई सामान सपोज सौ रुपए में खरीदे ये क्या चीज है कॉस्ट और सपोज हम उसको सेल करने वाले हैं कितना एटी में सपोज मार्केट में उसका डिमांड कम हो गया और अस्सी में बिकेगा तो लॉस होने वाला है तो प्रूडेंस बोलता है इसको रिकॉर्ड करो तो हम गुड्स का वैल्यू कितना कर देंगे एटी राइट right? सेकेंड एग्जांपल सपोज हम कोई चीज खरीदें हैं सौ में और वो सपोज सेल होने वाला है वन ट्वेंटी में सेल हुआ नहीं है सेल होने वाला है तो प्रूडेंस बोलता है अभी से प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो तो अभी गुड्स का वैल्यू कितना रहेगा हंड्रेड ही रहेगा मतलब गुड्स का वैल्यू कितना रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट या सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर चेक कर सकते हो सौ सौ और एटी विच एवर इज लोअर कौन सा लोअर है एटी सौ और एक सौ बीस विच एवर इज लोअर कौन सा सौ है लोअर है सौ क्लियर देखना और मेकिंग अ प्रोविजन देखना और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्यूचर में जो बैड डेट्स होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बनाना जिसको पीबीडीडी भी बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन में प्रोविजन के साथ साथ जो फ्यूचर में डिस्काउंट होने वाला है उस डिस्काउंट के अगेंस्ट भी प्रोविजन बनाना ये सब एग्जाम्पल है प्रूडेंस के इम्प्लीकेशन का प्रूडेंस के वजह से ही फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है ड्यू टू तो बैड डेट ड्यू टू तो डिस्काउंट उसके लिए हम आज से प्रोविजन बना रहे हैं क्लियर है तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडेंस जो बोलता है कि कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को एडवांस में रिकॉर्ड करना है लेकिन कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को हम एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक गेन्स रियलाइज नहीं हो जाता क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मेटरियालिटी मेटरियालिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस द वर्ड मेटरियालिटी मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट तो मेटरिटी कॉन्सेप्ट का बोलना है कि अकाउंट्स के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हमको देखना होगा कौन सा मटेरियल है और कौन सा इमेरियल है मटेरियल उन चीजों को बोलते हैं जो जिससे हमको फर्क पड़ता है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है वो हमारे लिए मटेरियल material होगा मेटरिटी प्रिंसिपल का बोलना है कि जो भी चीज मटेरियल है जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है मेटेरियलिटी कभी ये नहीं बोलता कि इन मटेरियल चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिकॉर्ड तो सब कुछ होगा बट इन मटेरियल चीजों को उतना प्रॉपरली उतना डिटेल में अगर रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा बट जो मटेरियल चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें जो सिग्निफिकेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है एक पर्सन के डिसीजन को उन सब चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है क्लियर अब मेटेरिटी डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर जैसे मेरे लिए मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे लिए दस हजार रुपए का खर्चा मटेरियल है राइट right? बट फॉर मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी के लिए एक लाख रुपए का खर्चा भी इमटेरियल होगा क्लियर है तो मेरे लिए दस हजार मटेरियल है बट मुकेश अंबानी के लिए एक लाख रुपए भी मटेरियल नहीं है तो so, मटेरियलिटी का डेफिनेशन अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होगा किसी के लिए कुछ मटेरियल होगा तो किसी दूसरे के लिए वो चीज मटेरियल नहीं होगा क्लियर तो मटेरियलिटी बोलता है कि जो भी चीज तुम्हारे लिए मटेरियल है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है क्लियर देखना मेट्रियालिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल कोई भी चीज को मटेरियल कब बोलेंगे इफ देर इज रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इंफ्लुएंस द डिसीजन जब वो चीज से हमको फर्क पड़ता है हमको प्रभावित करता है वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहलाएगा वो चीज हमारे लिए मटेरियल कहलाएगा जब वो हमारे डिसीजन को इंफ्लुएंस कर सकता है दस वेदर एन आइटम इज मटेरियल नॉट डिपेंड अपन ऑन इट्स एंड ऑर द अमाउंट इन दस मीन इट इज मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट जजमेंट पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल लोगों का किसी के लिए कुछ मटेरियल है तो किसी दूसरे के लिए कुछ मटेरियल होगा टू डिसाइड विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज नॉट एंड ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्कलोज दैट है और आर टू यूजर। तो जो चीज मटेरियल है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना जरूरी है अब मटेरियल क्या होगा वो डिपेंड करता organization organization है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लियर है एन आइटम में भी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनादर एंटरप्राइज तो कोई चीज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल होगा तो दूसरे के लिए मटेरियल नहीं भी हो सकता है जैसे मेरे लिए दस हजार रुपए मटेरियल है बट मुकेश अंबानी के लिए दस हजार रुपए मटेरियल नहीं है एंटरप्राइज है टर्न ओवर ऑफ टेन लैक्स ढाई लाख रुपए का खर्चा मटेरियल है एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए टर्न ओवर सिर्फ दस लाख है बट इट इज नॉट मटेरियल टर्नओवर है उसके लिए लाख ,00 का खर्चा जो है उतना मटेरियल नहीं है ऑन द अदर हैंड क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट इवन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट बंद हो जाना मटेरियल है बट अगर सौ प्रोडक्शन प्लांट है उसमें से एक बंद हो गया तो वो मटेरियल होगा क्लियर है तो क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज इम मटेरियल है वो डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी के लिए कोई चीज मटेरियल होगा तो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज इमटेरियल होगा क्लियर नेक्स्ट बचे हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का डिस्क्लोजर का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, टू शो एज डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब फुल मतलब पे कंप्लीट। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है दे शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेश रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटीटी तो बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है हर एक ट्रांजेक्शन जो मटेरियल है जो सिग्निफिकेंट है उसको प्रॉपरली डिस्कलोज करना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ऑल मटेरियल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेश तो लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही उसके साथ साथ एक अच्छा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक अच्छा अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये बोलता है कि हमको हर एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए राइट डिस्कलोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम सब कुछ ठीक से डिस्क्लोज करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल अगर कोई साल टर्न ओवर कम हुआ है तो हमको डिस्क्लोज तो करना चाहिए रीजन ऑफ लो टर्न ओवर अगर टर्न ओवर कम हुआ है सेल्स कम हुआ है तो को डिस्लोज करना चाहिए कि सेल्स क्यों कम हुआ है राइट दिस इज ऑल अबाउट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कॉल एस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और एक लास्ट प्रिंसिपल आता है छोटा सा जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आता है डुअल एस्पेक्ट से जिसका बोलना है कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट There are two aspects. One is the debit aspect, another is the credit aspect. Debit and credit is always equal and it gives rise to an equation called as accounting equation asset equals to capital plus liabilities. Okay, accounting equation is based on the dual aspect concept. It means every transaction has two aspects one is debit and another is credit. it holds that for every debit, there is an equal amount of credit. so the total of debit is always equal to the credit. it means total claim, that is outsider and proprietor, will always be equal to the total asset. the total asset, hoga, pohamasa, equal hoga. To total claim, Yeah total liability, k, राइट right. अब जो टोटल लाइबिलिटी है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं एक इंटरनल लाइबिलिटी कॉल्ड एज कैपिटल और दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी कॉल्ड एज सिंपली लाइबिलिटी क्लियर है तो एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी विच मींस एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज तो वही दो इक्वेशन है एसेट इक्वल्स टू टोटल क्लेम या टोटल इक्विटीज

इस वीडियो के लिए इतना थैंक यू एंड बाय बाय